मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में राखी बांधने पिता के घर आई महिला को दरवाजा तोड़कर उठाकर ले जाने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी तारा मंडलोई ने बताया कि 21 अगस्त की रात में रामसिंह निवासी बड़वा फालिया के घर रात में 2-3 लोगों ने हमला कर दरवाजा तोड़ दिया था और घर के अंदर सो रही महिला चंपा बाई उर्फ चंपी बाई को जबरन उठाकर ले गए थे। पुलिस अधीक्षक डी आर टेनिवार के निर्देशन पर राजपुर SDOP DS बघेल के मार्गदर्शन में महिला अपराध पर गंभीर अपराध पर संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर टीम द्वारा बताए गए आरोपियों के लिए टीम रवाना की गई, जिस पर खलगाट बस स्टेशन पर आरोपी दिनेश पिता मालिया भील निवासी छोटी उमरिया, दीवान पिता थवाजा भील निवासी चाकलिया जिला धार को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से महिला को बरामद किया गया, जिस पर पुलिस ने दोनों को न्यायालय पेश किया गया। इस कार्य में उप निरीक्षक श्री राम मंडलोई, SI महावीर सिंह चंदेल, प्रधान आरक्षक सखावत अली, आरक्षक सतीश पाटीदार, प्रकाश पाटीदार, राम चौहान, अनार सिंह बलिराम मंडलोई का सराहनीय सहयोग रहा है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। दिनांक 21/8/2019 की सुबह थाना जुलवानिया में ग्राम बड़वा फलिया के राम सिंह ने आके रिपोर्ट दर्ज कराई कि बीती रात में उनके घर में 4-5 लोग गाड़ियों में आए और उसकी लड़की चंपा और चंपी को जबरन उठा के ले गए। रात में लोग डर के मारे रिपोर्ट नहीं किए थे, सुबह आके ने थाने रिपोर्ट की थी, जिस पर से थाना दुर्वानिया में 458/366 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें आरोपी देवान और दिनेश और दिलीप दो के नाम आए थे और एक दो नाम अन्य थे। थाना प्रभारी दुर्वानिया द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर क्रास कराई गई और आरोपियों को पेश किया गया, जिसमें दो आरोपी पहचान में आए जिनको धार गिरने में कर जाते जिनको पकड़ा गया है। उनके कब्जे से अपहृत चंपा और चंपी को बरामद किया गया और अपहृता लड़की को उनके माँ बाप को सुपुर्द कर दिया गया। प्रकरण में दिनेश और दिलीप और दीवान दोनों को गिरफ्तारी दी गई है, जिनका PRB भी लिया जा रहा है, इनके साथियों के नाम और इनसे प्रकरण में जो इन्हें गाड़ी इस्तेमाल की है, क्यों आए थे, इस संबंध में बारीकी से और पूछताछ की जाएगी।